हेलो गाइस, मैंने कद्दू की सब्ज़ी बनाई है जो बिल्कुल भंडारे वाली सब्ज़ी जैसी बनी है। खट्टी मिट्टी है टेस्ट में और बहुत ही बनाने में आसान है। इसके लिए मैंने आधा किलो कद्दू लिया है। इसके पीछे की जो पीठ है हम निकाल लेंगे और इस तरह स्क्वायर टुकड़ों में इसे काट लेंगे। आप पीछे की पीठ भी यानी उसका साल भी आप रख सकते हैं। इसके लिए मैंने 3 से 4 छोटे चम्मच चना दाल, भीगी हुई चना दाल ली है। देखिए अच्छे से भीग चुकी है, 2-3 घंटे में भीग जाएगी। अब चलिए बनाना शुरू करें। कढ़ाई गर्म हो चुकी है, इसमें मैंने 1.5 टेबलस्पून तेल लिया है। इसमें आधा चम्मच राई, आधा चम्मच जीरा डाल देंगे। जीरा तड़कने लगे तो इसमें 2 से 3 कटी हुई हरी मिर्च डाल दें। आप अपने पसंद अनुसार मिर्च ज़्यादा भी ले सकते हैं। इसमें थोड़ी सी मैंने कटी हुई मेथी की भाजी भी डाल दी है। अब हल्दी डाल देंगे। अब हम इसमें कटे हुए कद्दू को डाल देंगे। कद्दू को अच्छे से मिलाएंगे। अब हम इसमें भीगी हुई चना दाल डाल देंगे। चना दाल भी कद्दू के साथ अच्छे से पक जाएगी। आप मूंग दाल भी डाल सकते हैं। थोड़ी सी कटी हुई धनिया पत्ती डाल देंगे ताकि टेस्ट और बढ़िया आएगा। इन्हें अच्छे से मिलाएंगे। आप बीच बीच में चम्मच को चलाते रहें ताकि सब्जी नीचे से लगे ना। 3 से 4 मिनट के लिए ढककर रख देंगे। 50% सब्जी अपनी पक चुकी है। इसमें हम स्वादानुसार नमक को डाल देंगे। एक से दो मिनट चलाएंगे या ढककर रख दें। अब हम इसमें 1 चम्मच आमचूर पाउडर से जो सब्जी का खट्टा मीठा जो टेस्ट है वो आएगा, और इसमें गुड़ को भी मिला देंगे। इन दोनों चीज़ों से सब्जी बिल्कुल भंडारे वाली सब्जी जैसी लगती है और पूरी के साथ तो बहुत ही बढ़िया लगती है। इसे हम अच्छे से पकने तक ढककर रख देंगे। ये 3 से 4 मिनट में हमारी सब्जी पक जाएगी। देखिए सब्जी अच्छे से पक चुकी है। कद्दू को चेक करेंगे। कद्दू और दाल भी अच्छे से पक चुके हैं, मतलब सर्व करने के लिए हमारी सब्जी बनकर रेडी है। कटे हुए धनिया से गार्निशिंग करेंगे। बच्चों को भी इस तरह की खट्टी मीठी सब्जी बहुत ही पसंद आएगी। आप टिफिन में भी इस सब्जी को दे सकते हैं। कद्दू की यह टेस्टी सब्जी आप भी बनाकर देखिए और अपने कमेंट्स मुझसे शेयर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ।